अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। क्लिप में आपने ये लुच क्यों तल दिया फिर? अब इंजीनियर साहब रोल प्रैक्टिकल पर्पसेस सेक्रेटरीज की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। रुको जरा, सबर करो। जैसे आजकल वो बात कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं इस्लामिक सेक्रेटरीज्म का, और उसकी बेस क्या बना रहे हैं कि अगर इस्लामिक बैंकिंग हो सकती है, इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सकती है, तो इस्लामिक सेक्रेटरीज्म क्यों नहीं हो सकता? हाय हाय हाय, देखिए ये उसूली मौकफ नहीं है। वो तेरा बेड़ा गर्क बदबख्त। इसमें से कौन सी चीज आपको इस्लाम के नजदीक लगती है? इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। जब मेरे उस्ताद डॉक्टर सरार साहब कहते थे इस्लामिक डेमोक्रेसी, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी डॉक्टर इसरार या मदूदी साहब के खाते में डाल दे। इसकी डेफिनेशन वो करेंगे। ये आप डेफिनेशन कह रहे हैं ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी या इस किस्म का सेक्युलरिज्म, ये तो कुफर है। अच्छा, हां बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्लियर कर दिया कि आप जी 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 बात नाउ द बिल नॉट। तो अब मॉडर्न बंदा आपको मिला है, तो मॉडर्न आदमी का मॉडर्न उस सेंस में कह रहा हूं जिसमें आप समझा जाते हैं, इस्लाम मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं है। सबसे ज्यादा मॉडर्निज्म तो इस्लाम में है। हमारे नबी ने तो रिवायात को तोड़ा ना पुरानी, और सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म को इस्लाम सिखाता है, अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। मैं नाम नेहाद सेकुलर की बात कर रहा हूँ, जो सेकुलर कहते हैं होते नहीं है। मैंने इस्लाम सेकुलरिज्म को इस्लाम है असल। दौड़ दल ले तू। अब इंसाफ का तकाजा तो ये है कि कैसर अहमद राज साहब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को वीडियो लेटर, ओपन लेटर, एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर, सारे सारे जो लेटर्स भेजें।